जी सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स, एक मैसेज किसी बच्चे ने किया हुआ है कि ऐसे में टॉपिक सिलेक्शन जो है वो कैसे करनी है, उसके हवाले से भी बातचीत कर दीजिए। तो देखिए, 5-7 चीज़ें हैं जो आपने मद्देनज़र रखनी है। पहली बात तो ये है कि आपने टॉपिक को सिलेक्ट करने में उजलत नहीं दिखानी, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। 5 मिनट का टाइम कम से कम आप लें टॉपिक को कंसिडर करने पर। मैंने बड़ी दफ़ा इस चीज़ को देखा है, बच्चे टॉपिक एक चुन लेते हैं, उस पर लिखना शुरू कर देते हैं और 1.5 घंटे बाद उन्हें फील होता है कि टॉपिक उन्होंने गलत चुन लिया। अब वो सोच रहे होते हैं कि दोबारा नया टॉपिक चुनें, उसके ऊपर आउटलाइन बनाएं या क्या करें। तो बेस्ट वे ये है कि पूरे 5 मिनट जो है आप कंसिडर करें, गौर करें कि आपने किस टॉपिक के ऊपर ऐसे जो है लिखना है। अनलेस अनलेस कि चीज़ें इतनी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हों, टॉपिक इतना ही सीधा हो, बिल्कुल आसान सा हो कि आप उसको पहले ही मिनट में चुन लें और आप उस पर श्योर हो, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा हुआ है कि आपने टॉपिक तमाम पढ़ ली हैं और आपको ये फील हो रहा है कि इसमें से किसी भी टॉपिक पर आप ऐसे नहीं लिख सकते, तो आपने पैनिक नहीं हो जाना, घबराना नहीं है। देखिए, अगर कोई खेल का मैदान मुश्किल है, उसमें झाड़ियां हैं, घास है, तो वो सारी सारे प्लेयर्स के लिए है ना, वो खाली आपके लिए तो नहीं है। टॉपिक अगर मुश्किल है तो वो बाकियों के लिए भी मुश्किल है। ऐसी सूरत हाल के बीच में आपने सिर्फ ये कोशिश करनी है कि मैक्सिमम अपना परफॉर्म करना है, दैट्स इट। दूसरों से अच्छा आपने परफॉर्म करने की कोशिश करनी होती है, और ये तभी मुमकिन है अगर आप पैनिक ना हो। तीसरे नंबर पर चीज़ ये है कि आप एक दफ़ा तमाम टॉपिक्स को गो थ्रू कर लें। जो टॉपिक आपको लगे कि आपका ये पोटेंशियल टॉपिक है जिस पे आप लिख सकते हैं, उसको दायरा लगाते जाएं, उसको एनसर्कल करते जाएं पहली रीडिंग में, और उसके बाद में दूसरी रीडिंग दें जिन टॉपिक्स को आपने एनसर्कल किया है उनके ऊपर गौर कर लें। मजीद आप उनको शॉर्टलिस्ट करना चाहें तो तीसरी रीडिंग पर भी जा सकते हैं। इसका बेस्ट वे यही होता है, पहली रीडिंग में चुन लें, 3-4 आपके दायरे लग जाएंगे, दूसरी रीडिंग में चुन लें, उसमें से किसी एक को भी चुना जा सकता है या दो को भी, और तीसरी रीडिंग में उन दो में से किसी एक को फाइनलाइज किया जा सकता है। अब डूज और डोंट्स क्या हैं? टॉपिक का जो उसकी वर्डिंग है, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, इट वील्ड्स एनॉर्मस इम्पॉर्टेंस, इसकी बहुत इम्पॉर्टेंस है। आपने जब भी उस स्टेटमेंट को पढ़ना है जिसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है, उसके हर हर एंगल के ऊपर गौर करना है। मेक श्योर कि आपको उसके हर लफ्ज का माना पता है। मेक श्योर कि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके हवाले से आप कंफ्यूज हैं कि ये ऐसे है या ऐसे है। मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल दे, और इडियम्स जो है, बिलखसूस इडियम्स हों, फ्रेजल वर्ब्स हों, ये बड़ा एक बुरा सा रोल। वैसे मैं एक आपको एक मिसाल देता हूँ। मैंने अभी जब टेस्ट सेशन मैं करवा रहा था अपने बच्चों को, मैंने टॉपिक दिया डिस यूनिटी अमंग मुस्लिम उम्मा कॉलन फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये फिक्सिंग दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो माना है वो बेसिकली ये है कि कौन जिम्मेदार है इस डिसयूनिटी का। उन्होंने उसके ऊपर बात करनी थी, बेसिक क्वेश्चन ये था, लेकिन उन्होंने फिक्सिंग दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से समझा ये कि अब किस किस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो रिकमेंडेशन पार्ट के ऊपर चले गए और सारे बच्चों ने अपना ऐसा यही लिखा कि जी अब उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, वो ये करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि जो टॉपिक का फोकस था वो टोटली उसको वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए और टोटल गलत हुए, शायद किसी एक आधे बच्चे के अलावा या 2 या 3 बच्चों के अलावा, बाकी बच्चे जो हैं उन्होंने इसको फेल किया। तो इस बात का मतलब ये कि आपने जब टॉपिक पढ़ रहे होना है उसके एक-एक लफ्ज़ पर गौर करना है। ऐसे ही एक सवाल आया हुआ था 1 साल पहले या 2 साल या 3 साल पहले, शायद पिछले साल ही था, उसका माना और मफहूम कुछ यूं था कि सी पैक्स इम्पॉर्टेंस फॉर द रीजन एंड द वर्ल्ड। बच्चों ने इसमें सी पैक का लफ्ज़ पढ़ा और उल्टी कलाबाजियां लगाई कि जी सी पैक आ गया, सी पैक आ गया, ऐसे लिख कर आए जिस तरह उन्होंने तैयार किया हुआ था। मुझसे डिस्कस किया बाद में जब सारे पेपर ख़त्म हो गए। मैं नॉर्मली ऐसे कि इमीजिएटली बाद में डिस्कस नहीं करता, क्योंकि मुझे होता है कि पहले पेपर सारे दे लें फिर डिस्कस कर लेंगे। मैं एडवाइस भी यही कर रहा होता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि यार देखिए ना, आप इस टॉपिक को पूरा देखिए, टॉपिक एक मुश्किल टॉपिक है। सी पैक की इंपॉर्टेंस एग्जामिनर ने रीजन के हवाले से पूछी है और वर्ड के हवाले से पूछी है। अब आप रीजन के हवाले से, तो हर बंदा लिखता है,
पाकिस्तान के हवाले से लिखता है, चाइना के हवाले से लिखता है, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, इसके हवाले से तो आप बड़ा इजीली लिख सकते हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के हवाले से लिख सकते हैं। अब सीपैक की पूरी दुनिया के हवाले से क्या अहमियत है? अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उसमें यूरोप है, उसके बीच में अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, क्या उसको भी किसी तरीके से ये इम्पैक्ट करेगा, नहीं करेगा, उसको किसी हवाले से बेनिफिट देगा नहीं देगा, इट वॉज द क्वेश्चन। आपने इसके ऊपर रोशनी डालनी थी। और अगर आपका जहर है ज्यादातर बच्चों को इस तरह तैयार नहीं होता, फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि वो गलती कर बैठे और एंड द फेल्ड, कुछ बच्चों ने इसको फेल किया जिन्होंने इसको अटेम्प्ट किया था। तो कहने का मतलब ये है कि हर हर जो जो लफ्ज है आपके टॉपिक का, उसकी एक अहमियत है। अच्छा, फिर मटेरियल डज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। आप उस टॉपिक पे लिखें जिस पर आपके पास वाफर मकदार में मटेरियल मौजूद है, लेकिन मटेरियल सिर्फ ओनली क्राइटेरियन नहीं है। जिस तरीके से सीपैक का खाली मटेरियल, बच्चों के पास बहुत मटेरियल था, लेकिन बच्चों ने इससे हटने की कोई उसको मतलब बिल्कुल अंधे हो गए लालच में कि जी जब मटेरियल मौजूद है तो इसी का रिस्क ले लेते हैं। इस तरह नहीं आपने करना। मटेरियल की अहमियत है लेकिन क्लैरिटी के ऊपर नहीं है, उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ आप नहीं कर सकते। अगर आपको टॉपिक क्लियर नहीं है, ख्वाह 10% भी एम्बिगुटी है, 10%, टॉपिक ऐसा है कि आपको 300% उसके ऊपर मटेरियल अवेलेबल है लेकिन 10% एम्बिगुटी है, आप उस टॉपिक को छोड़ दें, बिल्कुल भी रिस्क ना लें। इसके मुकाबले में आप उस टॉपिक को कर लें जिस पर आपके पास 80% मटेरियल है लेकिन आप 100% श्योर हैं कि जो माना आप निकाल रहे हैं उस टॉपिक को, जो अंडरस्टैंड करके माना निकाल रहे हैं, वो वही है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। अच्छा, फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें लिखने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती, बड़े क्लोज्ड किस्म के टॉपिक्स होते हैं, उनसे आपने अवॉइड करना है। लिटरेरी टॉपिक्स और इस तरह के टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हों, कोई मेडिकल की फील्ड पे आपको ऐसे आ जाए, कोई लिटरेचर पे आपको ऐसे आ जाए, अनलेस कि वो आपकी फील्ड हो और आप उसमें एक्सपर्ट हों, इस तरह के टॉपिक्स का रिस्क लेने की कोशिश ना करें। सोशल इशूज़, पोलिटिकल इशूज़, गवर्नेंस मैटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़, इकनॉमिक इशूज़, ये बहुत ज़्यादा मुनासिब आपके ऐसेज होते हैं। और इकानमी के अंदर भी बहुत ज़्यादा, अगर कोई चीज़ टेक्निकल चली जाए, बहुत ज़्यादा टेक्निकल चली जाए, तो उसके ऊपर आपने जाने से आपने गुरेज करना है, क्योंकि आपके पास ना उस तरह की टर्मिनोलॉजी होगी, ना उस तरह के आपके पास नॉलेज होगा, ना उस तरह का स्किल सेट होगा। तो जो हाईली टेक्निकल कुछ मैंने बल्कि पता नहीं 2 साल हो गए कि 3 साल, या कुछ ऐसे के पेपर मैंने देखे उनमें मेडिकल की फील्ड में सवाल आए हुए थे, कुछ में पिछले साल गालिबन इकोनॉमी के हवाले से बड़ा एक सवाल आया हुआ था, बड़ा उसमें टिपिकल किस्म का, ये फॉरेन लोनिंग के हवाले से या फॉरेन एड के हवाले से कि ये इट्स गुड और बैड और क्या एवेन्यूज़ खोलती है, क्या एवेन्यूज़ बंद करती है। तो जब तक आपको पूरा पता नहीं होगा कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें एसोसिएट होती हैं, पाकिस्तान की एड हिस्ट्री क्या है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई रही हैं, और मईशत में हमने उसको यूज़ कैसे किया उस एड मनी को, आप उसके ऊपर नहीं लिख सकते। तो जो हाईली टेक्निकल एसेज हैं, जब तक कि आपने आपका पूरा उसके ऊपर नॉलेज ना हो, आपकी ग्रिप ना हो, आपकी कमांड ना हो, आपने उसके ऊपर नहीं जाना, आपने अवॉइड करना है। अच्छी तरह पढ़ें और एक एक लफ्ज़ का माना समझें, और फिर एक दफ़ा जो टॉपिक आप चुन लें उसके ऊपर फिर आप लिखना शुरू कर दें, फिर दोबारा उसको रिकंसीडर नहीं करें, क्योंकि रिकंसीडर करने के बाद आप क्रॉस करके दोबारा तो ज़हरा लिखने से रहे, अगर दोबारा लिख भी दें तो आपके पास टाइम की स्केर्सिटी हो जाएगी, आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकेंगे। तो बहुत बेहतर है कि जो ड्यू शेयर है एक टॉपिक का चुनने का, इस चुनने के टॉपिक सिलेक्शन के अमल का, जो 4 या 5 मिनट आपने 5 मिनट तक जो इसके ऊपर जो लगा लेने चाहिए, आप बेहतर है कि आप उनको लगा लें, उनको सर्व करें, ताकि कोई भी आपसे अनवाइज डिसीजन ना हो जाए या ऐसा डिसीजन जिसके ऊपर आप बाद में पछताते रहें कि जी ये गलती है। मसलन एक आखिरी एक मिसाल के ऊपर मैं क्लोज़ करता हूँ। जब मैंने CSS के एग्ज़ाम दिया तो मेरे पास इस तरह की जो एडवाइसेज मैं आपको दे रहा हूँ, पीसेस ऑफ एडवाइस, ये मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, मुझे कि बताने वाला समझाने वाला नहीं था उस वक्त, शायद इस तरह की अकेडमीज भी अवेलेबल नहीं थी, इस तरह की सोलूशन भी अवेलेबल नहीं होते थे जो आजकल हैं, टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी। तो मैंने टॉपिक चुनने में बड़ी गलती की थी। 2009 के बीच में एक फूड क्राइसिस के हवाले से टॉपिक आ गया, मेरे पास जो नॉलेज था वो एग्रीकल्चर का था, जो टॉपिक आ गया वो फूड क्राइसिस का आ गया, फूड क्राइसिस इन पाकिस्तान ऐसा करके।
और मैंने उस टॉपिक को समझा कि ये एग्रीकल्चर के हवाले से वो बात कर रहा है, और मैंने उसका रिस्क ले लिया, मैंने उसको कर दिया, दो आई पास डिट। लेकिन वो फिर मुझे पता है कि मैं उसके बीच में कितना शायद मेरा इतना अगर एग्रीकल्चर का इन डीप नॉलेज ना होता, और मैं दरमियान में जब रियलाइज कर गया था कि मैं गलती कर बैठा हूँ, मैं उसको इतना क्लोज ना अगर मैं कर पाता तो शायद मैं पास ना कर सकता। तो बिल्कुल आपने इस हवाले से केयरफुल रहना है। अल्लाह ताला आप सबका हामी उनासिर। बेस्ट ऑफ लक।